छोटी छोटी बात, वही किसी ने छोटी सी एक शब्द कह दिया, वो मन में बैठ गया, चित्त विक्षेप होना शुरू हो गया, हमको ऐसा कह दिया, फलाना को ऐसा कह दिया, कोई मतलब नहीं। अगर भजन करना चाहते हैं पहले तो अंतकरण को शांत रखना जरूरी है। अंतकरण जब तक शांत नहीं होता, एकदम शांत समाहित हो, तब तक भगवत स्मृति जागृति होना संभव नहीं है, भगवत चिंतन होना संभव नहीं है। जब भी छोटी सी बात पर हम जब विक्षेप आ जाती है हमारे अंदर, तो तुरंत हम उसी विषय चिंतन में उलझ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, चंचलता आ जाती है, मन अशांत हो जाता है। बहुत समय तक जब तक वो विक्षेप रहता है तब तक जा करके हम उसी विषय में विवश होकर चिंतन करने लगते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। हमसे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर चाहेंगे संसार के समस्त तरंग शांत हो जाएगा, फिर जाके हम भजन करेंगे, जंगल में चले जाइए, ऐसा होना संभव नहीं है। ऐसा नहीं, जंगल जाने से आपको शांत वातावरण मिल जाएगा, माया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, माया तो हर जगह विद्यमान है। हमने सोच लिया हम जंगल जाएंगे, वहां जाके एकांत, कोई हमको विषय पैदा नहीं करेगा, किसी का बात नहीं सुनेंगे, किसी से कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, माया तो पीछे पीछे उसको परीक्षा करने के लिए उसके पीछे पीछे चलेगी। जब तक वो एकदम शांत समाहित हो, निरुद्वेग नहीं हो जाए, तब तक जा करके माया तो उसको सताएगी। बोले ये भी भगवत इच्छा, बोले माया ऐसे सताती है क्या, भगवत चरण में हम शरणागत हैं तो भगवान हमको रक्षा नहीं करेंगे। बोले रक्षा तो करेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर अज्ञान जनित जो अहंकार है, तुम्हारे अंदर जो विक्षेप है, तुम्हारे अंदर जो ये अज्ञानता है, सेंटिमेंट है, ये जब तक नष्ट होगा तब तक तुमको जाना भारी पड़ जाएगा, वहाँ पहुँचना। और ये अज्ञान से पैदा होता है अज्ञानता, अज्ञानता माने मैं मेरापन, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, ये अज्ञानता ही बीज है सेंटिमेंट का। जिसका जितना सेंटिमेंट है उसका उतना अज्ञानता है। सेंटिमेंट माने किसी ने एक छोटा सा कोई शब्द कह दिया, एक गाली दे दिया, या आपका संबंधी अपशब्द कह दिया, आपका निंदा कर दिया, बस अंतकरण विक्षेप होना शुरू हो गया, हमको ऐसा कह दिया। तो छोटी सी बात पर आपका जब भजन करने बैठे हैं तो वो विक्षेप मन में आ गया, और बार बार घूम फिर करके वही चिंता, हमको ऐसा कह दिया, वो ऐसा कर लिया, ऐसा वस्तु नष्ट कर दिया, ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो हम तो भगवत चिंतन करने बैठे हैं, भगवत चिंतन ही भजन का प्राण है। लेकिन वहां कहां, वहां तो हमारा प्रवेश ही नहीं, वहां तो छोटी सी बात पर हम उलझ जाते हैं, और संसार जीवन में तो ये अधिक होता है। पहले मन से इसको धो करके मिटाना पड़ेगा, कोई भी संसार की कोई भी वातावरण, विशेष करके सेंटिमेंट, इस सेंटिमेंट को एकदम बिल्कुल समाप्त करना पड़ेगा। कोई भी हमको, हमारा कोई नुकसान हो जाए, कोई वस्तु नुकसान हो जाए, कोई भी कुछ कह दे, कोई हमारा अपमान कर दे, कोई जूता मार दे, कोई हम बीज बाजार में अपमान कर दें, लेकिन इससे हमारा अंतर जगत में जो हमारे जो स्थिति है, हमारे जो प्रवेश है, वहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ हम हैं अंतर जगत में, हम हैं और हमारे ठाकुर जी है। लेकिन ऐसा तो होना हो नहीं पाता है, कि हमारा जो अहंकार है, अज्ञान जात अहंकार है, हमारा जो सेंटिमेंट है, हमको वो आगे बढ़ने नहीं देता है। हम समझ नहीं पाते हैं हमारे विक्षेप क्यों हो रहा, हम समझ नहीं पाते हैं हम क्यों चिंतन नहीं हो पा रहा, हमारे समझ में नहीं आता है हम तन्मय क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता है हम शांत क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सेंटिमेंट बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ये बाहरी विषय है भाई। हमारा अंतर जगत जो है वो तो हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, वहाँ तो कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। दृश्यमान जागतिक पदार्थ वस्तु तो पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। कोई भी जोनी में जाओ वहाँ भी तुमको ऐसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं जो इस जन्म तो हमारा तो ऐसा गया है, इस जन्म तो भजन हो नहीं पाया है, यहाँ तो बहुत
ऐसे ही उलझ जाते हैं हर विषय में, हमारे परिवार जो है ये हमारे मन पसंदीदी है नहीं, हम जिस परिवेश में रहते हैं यहाँ ठीक नहीं लग रहा, हम जिस आश्रम में रहते हैं जो भजनानंदी साधु है यहाँ की परिस्थिति भी अच्छा नहीं है, ये वो बोलता है, वो कुछ कहता है, वो उसका व्यवहार ऐसा है, होगा नहीं। कहीं जाओ, जंगल में जाओगे वहाँ भी पहुँच जाएंगे माया तुमको परीक्षा करने के लिए। हम बहुत जंगल घूम के आया है हमारे 40 सालों के ब्रजमंडल में, बहुत जंगल घूमते घूमते यहाँ आया, जंगल देख लिया हमने, जंगल में क्या मंगल है ना, कहीं भी रहो कैसे भी रहो, बस बाहरी कोई वातावरण, हमारे जो अंतर जगत में हमारी जो चंचलता, हमारी जो सेंटिमेंट है देखना चाहिए, वो वस्तु को हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, उसका हम क्या मान्यता देते हैं। मान लीजिए एक जन कोई पुत्र हो कन्या हो या पुत्र वधू हो कि या कोई एक घर का कोई प्रिय मेंबर हो, कोई किसी ने कुछ अघटन घट दिया, कोई वस्तु नष्ट कर दिया, हमारे विक्षेप होने का क्या है, कौन सा वस्तु हम साथ लाए थे आज नष्ट होने का चिंता करते हैं। किसी ने हमारे पुत्र ने कुछ कर दिया, कुछ कर लिया, कब कब का पुत्र था हमारा, वो कौन सा पुत्र हम लेके आए हैं साथ, वो तो पीछे आया है, वो कब का हमारा पुत्र था, ऐसे ही एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, वो आगे जाएगा या हम आगे जाएंगे, वो हमारा ना पुत्र था, सिर्फ मान्यता, मान्यता के कारण एक सेंटिमेंट, हमारे पुत्र ऐसा कर दिया, हमारे पुत्र ने ऐसा कह दिया, लो शिकार कर लिया, इसको कहते हैं सेंटिमेंट। किसी का सेंटिमेंट बहुत अधिक होता है तो सेंटिमेंट से भजन करो या ना करो, अगर मान लो ये सेंटिमेंट तुम्हारे अंदर ज्यादा है, संसार जीवन में भी तुम बहुत भारी दुखी हो जाओगे, कोई तुमको रक्षा नहीं कर पाएगा, तुम्हारे मन ही मन में तुम दुखी हो जाओगे, कोई तुमको दुखी नहीं करेगा, तुम्हारे सेंटिमेंट तुमको दुखी करेगा, दुखी करके रखा है दुखी करेगा, भजन करने की जरूरत नहीं है, मान लो वो संसार में ही रहता है, लेकिन अगर उसका सेंटिमेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा दुखी हो जाएगा, सेंटिमेंट ही दुख का कारण है। और भजन जीवन में तो सेंटिमेंट का धो के फेंकना पड़ेगा, अरे हमको अपमान किया, एक जन साधु बाबा उनको एक जन आके कहते हैं बाबा आपका फलाना ने बहुत गाली दिया है, तो बाबा कहते हैं हमको गाली दिया, बोलते हैं हाँ बाबा आपको गाली दिया, हमको दिया, बोले हाँ आपको दिया, हमने खुद सुना है हमको दिया, ऐसा होता ही नहीं, नहीं आपको दिया, दूर हमने लिया ही नहीं, हमको दिया हम लिया नहीं, भाई लेने की बात है, जब हम कुछ स्वीकार करेंगे तब तो जाकर के हमारा विक्षेप होगा कुछ होगा, वो गाली दिया तो देने दो, हम तो लिया नहीं, हम ले लेते हैं, यह झमेला, कोई कुछ कह दिया उसको हम भीतर घुसा लेते हैं, जाकर विक्षेप पैदा हो जाता है। तो भजन करने आया है तो कोई चाहे कोई भी, ये संसार है, तुमको कोई अच्छा कर्म करोगे फिर भी तुमको गाली देगा, तुम्हारा कुछ विद्वेष करेगा, तुम्हारा निंदा करेगा, ये रहेगा। जब भगवान थे तब भगवान को भी ऐसे स्थिति की मुकाबला करना पड़ा था, जब कृष्ण आए उनके दुश्मन को मारते मारते उनका ब्रजलीला समाप्त हो गया, ब्रज में आने का ही मौका नहीं मिला है, भगवान स्वयं जो निर्दोष है, सर्वथा निर्दोष है, सर्वगुण संपन्न है, अनंत गुण के आधार है, मूल आनंद के स्रोत है, उस भगवान आए हैं, उनको तो दुश्मन के पीछे लड़ते लड़ते उनका जीवन बीत गया, ब्रज में आने का ही मौका नहीं मिला है, तुम हम कहाँ की क्या है कौन है, हमारा तो निंदा करेंगे, हमको तो कुछ कहेंगे ही, फलाना ने वो किया, हाँ अगर कनिष्ठ जन घर में कोई कनिष्ठ मेंबर हमारे पुत्र हो कन्या हो कुछ ऐसे अन्याय करता है, कुछ ऐसे आचरण कर लेता है जो कि जो हानिकारक है, मन को शांत रखना जरूरी है, आप दिखावा शासन करना है, जैसे क्लास में टीचर बच्चा लोग कुछ अन्याय करता है ना तो उसको शासन करते हैं, तारण करते हैं, लेकिन क्लास से जब निकल जाते हैं ना उनका मन में ये नहीं रहता है वो बच्चा बड़ा अन्याय किया है, क्यों, उनको शिक्षा देना है, वो तो शिक्षक है, उसे कोई लेना नहीं देना नहीं, वो तो नौकरी कर रहे हैं, बच्चा क्लास में पढ़ रहा है हमारे क्लास में बच्चा शांत रहना चाहिए, उसको शासन करना हमारा फर्ज है, लेकिन दिल से नहीं, ए ड्यूटी है, क्लास हो गया फिर बच्चा कुछ भी करे, मास्टर देखने नहीं जाते हैं जो घर में क्या कर रहा है, घर में क्या अनर्थ कर रहा है, लेना नहीं देना नहीं, ऐसे ही घर में ऐसा होता है, तो शासन करना जरूर लेकिन मन से
ये नहीं सोचना जो इससे हमारा कोई लेना देना, हमारे परमार्थिक जीवन में इससे कोई संबंध हमारा है, ऐसा जान करके चित्त को शांत रखना जरूरी है। और दिखावा, एक शासन तारण भर्षण कुछ भी करना है, ऐसा है गुरु शिष्य को तारण भर्षण करेंगे, ऐसे विधान है, बाहरी लोग को आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये सेंटिमेंट बहुत हानिकारक होता है। पहले भजन पीछे करना, कम करना, वो भी अच्छा है, क्योंकि भजन करने का मूल प्राण है भगवत चिंतन। भगवत चिंतन तभी होता है जब जाके हमारा मन शांत होता है, मन शांत तभी होता है जब जाके हमारा सेंटिमेंट, हमारे जो मनोवृत्ति है, ये विक्षेप हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता है, मन शांत रहता है। कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, उससे हमारा कोई लेना ना देना, संसार में रहना ठीक है, ये नौकरी कर रहे हैं जैसे, संसार में रह करके हमको भजन करना है तो नौकरी करना है, नौकरी क्यों करी, गरज पड़ी तो यूँ करी, संसार का नौकरी क्यों कर रहे हैं, हमको करना है, शरीर है, कर्म करना है, लेकिन इससे हमारा आत्मिक जीवन का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ तो मैं अकेला। छोटा सा विषय बाबा, छोटा सा विषय सेंटिमेंट, लेकिन इतना विघातक साधक के लिए, जिसका जितना सेंटिमेंट है वो उतना ही माने उलझ जाता है, उसका भजन जीवन चौपाट हो जाता है। भजन करते हैं, नाम करते हैं सुबह से संध्या तक, नाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये घर में ये किया, वो किया, वो किया, बच्चा ने उस किया, अरे हमको क्या लेना देना है, हमको तो भजन करना है। कहीं भी जाओ, कोई भी जोनी में जाओ, अभी तो मानव जन्म मिल गया है, अभी तो भजन करने का मौका मिल गया है, तुम ये मत सोचो कि फिर मरने के बाद अच्छा जन्म मिलेगा, वहाँ कोई बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि झंझट झामेला कुछ नहीं रहेगा, हम भजन करेंगे, ऐसा जीवन होता नहीं है, किसी का मिला नहीं है ऐसा। तो मन से हटाओ, तन से नहीं, मन से ये सेंटिमेंट को, अगर तुम भजन नहीं भी करते हो फिर भी तुम्हारे अंदर ये सेंटिमेंट नहीं है तो तुम सुखी रहोगे बहुत, ये बात सत्य है। बहुत अशांति रहते हुए भी तुम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। और तुम्हारे अंदर सेंटिमेंट है तुम चेष्टा करके भी मन को शांत नहीं कर पाओगे, तुम दुखी हो जाओगे, ये सत्य है। कैसे जाएगा ये पहले बाबा, आप तो हमारे पिता तुल्य हैं, बात तो सत्य, कैसे जाएगा पहले बीमारी क्या है। हमारा बीमारी हो गया, डॉक्टर के पास गया, हथौड़ा डॉक्टर के पास गया, दवा दे दिया, खा लिया, दवा खाने से सुई लगाने से बीमारी थोड़ी जाता है, पहले डायग्नोज होना चाहिए क्या बीमारी है, इसका कारण क्या है, पहले कारण पकड़ा गया जो ओहो ये तो ये बीमारी है तो फिर दवा देने से काम होगा, पहले डायग्नोज होना चाहिए था हमारी बीमारी क्या है, हमारा मन भजन में क्यों नहीं लगता है, हमारा बीमारी क्या है, ये बीमारी है सेंटिमेंट, हटाओ इसको मन से, कोशिश करो, सहन करो, बार बार विवेक को समझाओ जी ये हमारे लिए विघातक है, हमारे मन में विक्षेप क्यों आया, ये ऐसा बोल दिया। अच्छा अज्ञान भी मनुष्य होता है, अज्ञानी भी होता है, तो अज्ञानी लोग कुछ तो कह सकता है, भूल कह सकता है, तो उससे हमको क्या लेना देना है, ठीक है उसका समाज उसके पास रहने दो, हमारे शब्द को द्वारा वो दुखी ना हो, उसके शब्द को द्वारा हम कष्ट ना पाए, भाई ठीक है बोल दिया ठीक है हम सावधान हो जाएंगे, लेकिन मन में विक्षेप नहीं आना चाहिए, हमको ऐसा कह दिया ठीक है तुम ना ऐसा नहीं शांत भूल गया, किसने अन्याय आचरण किया उस अन्याय आचरण को क्षमा कर देना अच्छा है, किसी ने अन्याय आचरण किया उस आचरण को क्षमा कर देना उसके बाद वो भूल जाना ये उससे भी उत्तम है, भूल गया जो कभी हमसे खराब व्यवहार किया था, क्षमा तो कर ही दिया फिर मन से भी हटा दिया, भूल गया नहीं 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 ठीक है चलो जाने दो,
किसी ने अन्याय किया, वो अन्याय हमारे नजर में ही आया नहीं, बोलता ये सर्वोत्तम, हमारे नजर में ही आया नहीं, क्या अन्याय क्या किया, आपको क्या लेना देना, बोलते ये सर्वोत्तम है। साधु के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। सुनो मत, देखो मत, अंधा हो जाओ, बहरा हो जाओ, गूंगा हो जाओ, अंधा हो जाओ, बाहरी दृश्य जागतिक दृश्य विषय भोग्य विषय पदार्थ देखना नहीं, अंधा हो जाओ, गूंगा हो जाओ, कुछ बोलना नहीं, बोल सकते हैं लेकिन बोलने से अनर्थ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, उसका रिएक्ट कर जाएगा, फिर जाके हमारे चित्त विक्षेप का कारण बन जाएगा, ना जाने और कुछ अनर्थ हो सकता है, कुछ बोलो मत। कठिन है लेकिन साधक के लिए होना जरूरी है। सुनो मत, किसी ने क्या कह दिया, कोई खराब शब्द कह दिया, सत्य है कि झूठा है ये हमको परख नहीं किया, तुमको ना फलाना ने ये कह दिया, अरे भाई सत्य बोला ना ये झूठ बोल रहा है, ये जाके कुछ चुगली कर रहा, क्या जाने हम क्या जानते हैं, अनर्थों के पास जिसका नाम पे कुछ कह दिया उसके ऊपर विक्षेप आ गया, ऐसा फलाना को हम इतना प्यार करते हैं, उसने उसके लिए हम ऐसा किया और उसने हमारे संबंध में ऐसा बोल दिया, हो गया ना, सुन लिया ना, ना सुनना नहीं, बहरा हो जाओ। लेकिन तो, सेवा कार्य को व्यवस्थित रखने के लिए चित्त शांत रखो, चित्त शांत रखो, चित्त में विक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यवहार के लिए हमको तो नौकरी तो करना है, तुम नौकरी जब करने गए हैं तो सभी करना पड़ेगा, किसी को फटकारना पड़ेगा, किसी को तारण करना पड़ेगा, किसी के काम आदाय के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन हम जब ऑफिस से अदालत से निकलते हैं तो थोड़ी हम किसी से बैर करते हैं, तो जिससे हम झगड़ा किए कुछ किए उसको छाती में भर लेते, भाई कुछ मानना नहीं, ये हमारी नौकरी है, क्या करें, तो करना पड़ता है, बस हो गया, झमेला मिट गया। चित्त को शांत रखना है, बाहरी क्रिया वो नुकसान के कारण नहीं है, अंतर जगत की जो क्रिया है, जो विक्षेप है, ये नुकसान के कारण है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ तुम कुछ करना ही नहीं, रिएक्ट करना ही नहीं, रिएक्ट करो लेकिन चित्त को शांत रखो, जानो जे इससे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, ऐसा भावना हो जाए तुम्हारा साधन सरल सहज सुगम हो जाएगा, नहीं तो चलना भारी पड़ जाएगा। जय राधा रानी। इस विषय